पूरे रात भर हम करेंगे वॉक, चढ़ेंगे मतलब ट्रैकिंग करेंगे। जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी। दादा बोले जय गिरनारी, दादा बोले जय गिरनारी, दीदी बोले जय गिरनारी, भाई बोले जय गिरनारी। हमने काठी ले चुके हैं, 50 रुपए देने पड़े हर एक इसके, हर एक लकड़ी के, और जब वापस आएंगे ना हम, हमें 20 रुपए वापस मिल जाएंगे। सो इट मीन्स 30 रुपीज पर पीस, 20 रुपए की पॉसिबिलिटी। या हम गिरनार पर्वत पूरा चढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग जिन्हें पॉसिबल नहीं होता है, आप लोग रोपवे से भी जा सकते हैं। इसके टिकट्स ऑनलाइन उड़न खटोला इस वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ आकर बुक कर सकते हैं। पण कुणीही आपल्या स्वतःच्या इच्छेने आलो नाही। मॅडम, मी मगाशी सांगितलं ही सगळी महाराजांची लीला। मी निश्चितपणे तुम्हाला एक सांगतो की आपल्या सगळ्यांची गुरु शिखर हे निर्विघ्नपणे व्हावं म्हणून या ठिकाणी आपण एक छोटीशी पूजा करतो। पूजा करण्यापूर्वी प्रत्येकाने सुरुवातीला तुमच्या डाव्या हाताला एक मारुतीचं मंदिर आहे, त्याला चढवाया मारुती म्हणतात, तिथं दर्शन घ्यायचं, पहिल्या पायरीवर डोकं टेकवायचं आणि महाराजांना विनंती करायचं की इथपर्यंत महाराज तुम्ही आम्हाला आणलं, इथून पुढे घेऊन जावा आणि सुखरूप परत खाली आणा। या ठिकाणी एक दत्ताची आरती होईल, त्यानंतर नारळ वाढवला जाईल आणि त्यानंतर तुम्ही मार्गस्थ व्हायचं। यहां फिर हमने आरती की और हमारे चढ़ान की शुरुआत की। गुरु पूर्णिमा और दत्त जयंती के दिन यहाँ गिरनार पर बहुत सारे भक्त आते हैं। प्रभु दत्तात्रेय ने अपने शाश्वत निवास और 12,000 साल तपस्या से सिद्ध किया हुआ स्थान मतलब ही गिरनार है। This is an adventure, bro. कुछ आएगा तो नहीं ना? अरे नहीं आएगा, चलो सब लोग इधर रहते हैं। साहब, there is no visibility. टॉर्च मारनी पड़ रही है। Hi Janvi, how does it feel? Good actually. अलग कंफर्ट जोन से बाहर करना। मैंने तो ट्रैक भी नहीं किया है कभी, एक भी नहीं। गाइस, हमारा पहला ब्रेक, ये देखो, हट हट हट। ये देखो कैसा जंगल है, इसमें से हमें चलते जाना पड़ रहा है। पूरा जंगल ही जंगल। Done guys. तो चलते थे, ऐसे शॉप्स बहुत सारे लगेंगे, तो बीच में अगर प्यास लग जाए और पानी ना हो ना, तो यू कैन परचेस इट फ्रॉम हियर, बट पानी महंगा होगा, 100 रुपीज का रहेगा पानी एक बॉटल। गाइस, देखो हम कितने ऊपर आ चुके हैं, अभी इतना ऊपर जाना है। गाइस, ये पत्थर ऐसे क्यों रखे है पता है? ये मन्नत वाले पत्थर है, एक मन्नत मांगनी है और ये पत्थर ऐसे ही रख देने हैं एक के ऊपर एक। व्यू देखो और हमें देखो, देखो और हमें भी देखो, काठी वाला जादूगर तुम्हीच है, असली जादूगर। जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी। अभी तो स्टार्स देखो कैसे इस तरह। हमने 3,000 सीढ़ियां पार कर चुके एंड अब 7,000 और बाकी। हम कर पाएंगे कि नहीं हम वही सोच रहे, बट मुझे ऐसा लगता है कर पाएंगे, ऑब्वियसली इतना सारे लोग हैं हमारे साथ। सो ऑब्वियसली ये देखो गाइस,
अब ऐसा रास्ता भी होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस पीछे था और अब मुझे नहीं पता कैसे जाना है, लेकिन इतने ऊपर जाना है और देखो कितनी खड़े चढ़ाने। एंड लुक एट ऑल ऑफ दीस पीपल, नजारा तो देखो। हे भगवान, जय गिरनारी, जय गिरनारी, जोर से बोलो, जय गिरनारी, दादा बोले, जय गिरनारी, तारी बोले, जय गिरनारी। अब ये है अम्बाबा का मंदिर और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे एक घंटा और फिर कंटिन्यू करेंगे। कितने स्टेप्स है? 5000 स्टेप्स हो चुके हमारे, अब और थोड़े बस। इसी बात पे 5000 सब्सक्राइबर्स तो बनते। अम्बा माता मंदिर ये 52 शक्ति पीठों में से एक है। गाइस फॉग आ चुका है और बस थोड़ा देर और हम पहुंच जाएंगे। गुरु शिखर पर जाने के लिए 3 पहाड़ पार करके जाने होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा वक्त लेता है। हम यहाँ पे पहुंचे हैं। गुफा है एक और यहाँ पे भी एक मंदिर है। गाइस हमें देखो यहाँ जाना है और अब हम यहाँ है, यहाँ पे हैं, पता नहीं कैसे जाना पड़ेगा। गाइस अब देखो यहाँ पे सब उतरने का है। आई डोंट नो कैसे जाएंगे क्योंकि पूरा अंधेरा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा रास्ता। यहाँ चढ़ते वक्त ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है और चलते चलते जब थकान होने लगती है ना, तब दत्त भगवान का नाम लेते से ही जो एनर्जी आती है ना बॉडी में, वो कह नहीं सकते। ये है वो कमान जहाँ से हम मेन पर्वत चढ़ने का शुरुआत करेंगे। नजदीक पहुंच गए लेकिन इतनी बड़ी लाइन है। हमने चढ़ाई शुरू की थी रात के 10:30 बजे और हम गुरु शिखर पर पहुंचे सुबह के 5 बजे। हमें 1 घंटा सीढ़ियों पर ही रुकना पड़ा क्योंकि मंदिर 6 बजे खुलता है। देखो सनराइज होने की शुरुआत हो चुकी है और अभी जस्ट मंदिर खुला है, तो सब उठ के लाइन में लगे हुए हैं। और ये देखो फॉग, फॉग भी नहीं, बादल ही है। गाइस क्या व्यू है यहाँ पे आने के बाद ना, सब दुख ना एंड ऑल द स्ट्रगल डिड वो सब भूल जाता है आदमी। इतना सुंदर व्यू। व्यू देखो, इट्स क्लियरली विजिबल नाउ। यहाँ से आए पूरा है वो मंदिर, इसके अंदर उनके चरण पादुका है जो स्वयंभू है, बहुत सुंदर है मूर्ति भी। Look at this.
गाइस अब हम नीचे उतर रहे हैं विथ दिस अमेजिंग अमेजिंग व्यू. माय गॉड वाओ देखो हमें कितना दूर जाना है अभी तो. सी और ये लोग नीचे उतर रहे हैं. नीचे तो आ गए हैं, फिर अब हम यहाँ जाएंगे. ये है कमंडल कुंड. इस जगह पर दत्तात्रेय जी ने अपने हाथों से अग्नि प्रज्वलित की जिसे दत्ताग्नि कहा जाता है. इस स्थान को भगवान दत्तात्रेय जी का अक्षय निवास स्थान और दत्तात्रेय धुना के नाम से भी जाना जाता है. इनके हाथों से प्रज्वलित हुई अग्नि आज भी जीवंत है. आज भी हर सोमवार सुबह 9 बजे इस धुनी के ऊपर का भस्म हटाकर पीपल की लकड़ियां रखी जाती है और यहां अग्नि अपने आप प्रज्वलित होती है. भगवान दत्तात्रेय जी जब गिरनार पर तपस्या कर रहे थे तब एक बार भीषण अकाल पड़ा और जीव जंतुओं की तकलीफ देखकर उनकी माता सती अनुसुया ने इस अकाल का निराकरण करने के लिए कहा. तब भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने तपस्या की अवस्था से जागृत होकर अपने हाथ के कमंडल को पत्थर पर मारा और गंगा जी को प्रकट किया. यह स्थान यानी कमंडल कुंड. ये है वो जगह. देखो गाइस लुक एट दिस व्यू. वाओ हाँ ना वो भी रात में समझा भी नहीं इतना चढ़े. ये गुफा में जाने वाले हैं. मैं कुछ दिखाने नहीं आया लेकिन यहाँ पे खाने के भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस है. समोसे, फाफड़ा, चना, अलग अलग टाइप की चीजें. अरे अंबे माता मंदिर. अब हम आ गए हैं रोपवे की तरफ. वापस जा रहे हैं रोपवे से. एंड लुक एट द सीनरी. है गिरनार का मैप. रुपये का टिकट है. 1 वे टिकट है 400 रुपीज़ का और चाइल्ड का टिकट है 200 रुपए का. तो हम लोग 5 जन हैं तो हमारे 2000 कुछ तो हुआ है. और यहाँ से एंट्री है रोपवे के लिए. वाओ नाइस. रोपवे के लिए ऐसे नंबर्स पे खड़े रहना पड़ता है और फिर ही वो लोग एंट्री देते हैं. हम लोगों को भी ऐसे ही नंबर्स पे खड़ा किया है. स्पीड पकड़ेगा शायद ये. और हम रोपवे में बैठ चुके हैं.
कसं वाटतंय? मी ब्लॉगर आहे, मी बसायला पाहिजे ना तिकडे. बघ आपल्याला आपण कुठून कुठून आलोय. तो एवरी टाइम का है, उसको कुछ नहीं. देखो कैसा है. ये है हमारा रास्ता जिससे हम रात में आए थे. ऊपर का तो मैंने दिखाया आपको. रात में आए इसलिए कुछ भी नहीं समझा. लैंड नाइस लॉन. हाँ मस्त है. See how the rope is coming. चलो वी आर गोइंग बैक टू आवर रूम्स. कितना सुंदर है. Everything is so beautiful. Gujarat tourism. है हमारा आज का लंच. अब चल रहा है हमारा हेड मसाज का डिनर. क्या मस्त मस्त खाना बना रहे हैं ये लोग तो. सी हम लोग तो बैठे हैं. खाके हो गई. अब हम आए हैं सोडा पीने. आए तो हमने देखा कि ये सब चल रहा है. वो थैंक्स बोल रहे हैं कितनी अच्छी ट्रिप ऑर्गेनाइज की है. और इस तरह गिरनार का ये व्लॉग एंड होता है. और नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे सोमनाथ दर्शन. थैंक यू सो मच. बाय.